समाज पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश भारती यमुनानगर स्थित कार्यालय में पहुंचे तथा 15 मार्च की रैली को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश भारती मंगलवार को यमुनानगर स्थित कार्यालय पहुंचे। वे यहां 15 मार्च को हुई रैली को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दौरे पर कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने आए थे। उन्होंने वर्तमान सरकार की नीतियों की निंदा करी और कहा कि बीजेपी सरकार में किसान, कर्मचारी, व्यापारी व आम आदमी दुखी हो चुका है। भाजपा हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है, चाहे वह कानून की व्यवस्था हो या आंदोलन, कर्मचारी वर्ग हो या किसान। रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं किए जा रहे, उल्टा सरकार छीनने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी वर्ग का बीजेपी सरकार से, चाहे वह केंद्र हो या प्रदेश, की मोह भंग किए जा रहे हैं। उन्होंने 25 जून में होने वाली रैली के लिए सभी कार्यकर्ताओं को तैयारी करने के लिए कहा। इस मौके पर उनके साथ हरियाणा प्रभारी नरेश गुरमुख सिंह, आशा पटलानी, महिला विंग आदि उपस्थित थे। 2018 को अभी चंडीगढ़ में एक विशाल महारैली का आयोजन किया गया था, जिसको संबोधित करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की नेशनल प्रेसिडेंट और माननीय बहन कुमारी मायावती जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आए थे और वो पूरे प्रदेश लेवल पर हमने एक बड़ी रैली रखी थी। उस रैली में लाखों लोगों ने भाग लिया, रैली बहुत कामयाब हुई। मेरे साथ इस मौके पर नरेश सारंग जी, प्रभारी बहुजन समाज पार्टी हरियाणा, शैलेश त्यागी जी के दफ्तर पर हम आए हैं और आशा पठानिया जी, महिला विंग की हमारी लोकसभा इंचार्ज, एडवोकेट गुरमुख सिंह जी हमारे लोकसभा इंचार्ज अम्बाला बहुजन समाज पार्टी, रमेश प्रसाद जी जनशक्ति बहुजन समाज पार्टी हरियाणा, चौधरी सहीराम जी ज्ञानेवाला जी, तमाम टीम मेरे साथ आई है। हम त्यागी साहब का और तमाम टीम का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। रैली को कामयाब इन्होंने किया, हमारी पूरी टीम ने धन से, मन से, धन से इसमें पूरी ताकत लगा करके रैली को कामयाब करने का काम किया। रैली हमारी बहुत सफल रही है और चंडीगढ़ जो राजधानी हमारी हरियाणा की है, वहाँ रैली हमने क्यों रखी थी, केंद्र की जो सरकार है, हरियाणा की जो सरकार है, बीजेपी सरकार, उसकी जनविरोधी नीतियों के खिलाफ पूरे प्रदेश लेवल पर रैली रखी गई थी। हरियाणा में आज जंगल राज है, हरियाणा सरकार पूरी तरह फेल है और देश के प्रधानमंत्री साहब ने देश के सामने जो वादे किए थे, एक भी वादा वो पूरा नहीं कर पाए। केंद्र की सरकार भी पूरी तरह से फेल सरकार है और प्रदेश की सरकार भी फेल सरकार है। आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, आंगनवाड़ी की महिलाएं पूरे प्रदेश में एजुकेशन पर हैं, कर्मचारी एजुकेशन पे हैं, आज जनता हरियाणा प्रदेश की त्राही त्राही कर रही है। इसलिए पूरे प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करके बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश में, अगर हमें जनता ने पूरा सहयोग दिया तो हम सरकार बनाने का काम किया। कुछ क्या लग रहे हैं कि इस पर इनेलो के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा? देखिए, जिस प्रकार से देश के हालात बदल रहे हैं, अभी तक हमारे पास कोई प्रपोजल इस प्रकार का नहीं आया है। जैसे कोई प्रपोजल हमारे पास आएगा, वो प्रपोजल हम अपनी नेशनल प्रेसिडेंट के पास लेकर के जाएंगे और जो फैसला बहन जी उस पर लेगी तो उसके हिसाब से प्रदेश के लोग। अभी हमारी अभी तक कोई बात नहीं हुई किसी भी पार्टी से।